भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्या है खास, क्या है बेहतरी, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, बैलेंस है उनके कैपिटल और करंट अकाउंट्स में 1 अप्रैल 2017 के कुछ ऐसे। 40,000 रुपये का ए का बैलेंस है और 20,000 का बी का बैलेंस है। करंट अकाउंट के 16,000 और 12,000, मतलब यहाँ पर कुछ पैसा कैपिटल में और कुछ पैसा करंट अकाउंट में, तो हमें सारे ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट से ही करने होंगे। अगर कोई परमानेंट कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग्स का होगा तो कैपिटल अकाउंट में, अदरवाइज सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे। पार्टनरशिप डीड बोलती है ए को सैलरी देनी चाहिए 500 रुपये पर मंथ और बी को कमीशन देना चाहिए 4,000 पर ईयर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है दोनों को 6% पर एनम की। ड्राइंग्स ए और बी की जो है वो है 5,000 और 2,000 की, जो कि डेबिट साइड जाएगी कहाँ, करंट अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड जाएगी करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी डेबिट साइड जाएगी करंट अकाउंट में 225 और 75 रुपये, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनेगा तो वहाँ क्रेडिट साइड जाएगी। नेट प्रॉफिट है फर्म का 35,700 रुपये, कोई भी एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तीनों बनानी है हमको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का कम से कम आ सकता है, 8 का भी आ जाए तो पता नहीं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि इनके बिना करंट अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखेंगे हम बाई नेट प्रॉफिट 35,700 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट की जाती है करंट अकाउंट में, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए के करंट अकाउंट में और बी के करंट अकाउंट में, यही इंटरेस्ट आपकी कहाँ जाएगी दोस्त, यहाँ पर डेबिट साइड जाएगी। 225 और 75 दोनों को मिला के हो जाएंगे 300, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम डेबिट साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम करेंगे ए की सैलरी देंगे, तो किस अकाउंट में देंगे दोस्त, टू एज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरी, यही ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैची कॉन्सेप्ट चलता है, 500 रुपये पर मंथ है तो पूरे साल की हो जाएगी 6,000 रुपये। वहीं बी को मिलेगा कमीशन, तो बी के करंट अकाउंट में जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, 4,000 रुपये पूरे साल का है। आगे इंटरेस्ट कैपिटल 6% की, तो 40,000 पर और 20,000 को मिलेगी, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलती है, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के करंट अकाउंट में कितनी जाएगी दोस्त, 40,000 का 6% हो गया आपका 2,400, और बी के करंट अकाउंट में जाएगी 20,000 का 6% दैट इज 1,200, टोटल जाएगी 3,600। बाकी सारा प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए के करंट अकाउंट में और बी के करंट अकाउंट में कितना आएगा, 36,000 में से 6 और 14 13 13 600, तो ये आएगा 22,400 रुपये। कितना आएगा 22,400, किस रेशियो में बांटना, 3:2 में, 5 4 20 5 4 20 और 5 8 40, 3 8 24, 3 4 12 और 2 14, 3 4 12 13, 13,440। और यहाँ आएगा आपका 44 2 88 तो 89,960, 4 6 10 4 9 13 14 13 21 22। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेना दोस्त। नेक्स्ट बनाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट होगी क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, बस जो क्रेडिट होगा वही डेबिट होगा, क्योंकि ना ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल है ना परमानेंट ड्राइंग्स है
ना ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है मतलब, और ना एडिशनल कैपिटल आई है कोई यहाँ ए का करंट अकाउंट। और दूसरी बात करंट अकाउंट में ये सारे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट वाले क्रेडिट जाने, क्रेडिट वाले डेबिट जाने, तो आसानी होगी हमें यहाँ पर कैची कॉन्सेप्ट सीखने में। बाई बैलेंस मीटिंग, इसमें बताओ करंट अकाउंट का बैलेंस डालू या कैपिटल का? सर करंट अकाउंट बनाने तो करंट अकाउंट का ही जाएगा 16,000 और 12,000। नेक्स्ट जाएगा सैलरी बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में सैलरी, सिर्फ ए को मिली है और बी को नहीं मिली है। फिर नेक्स्ट बाई, बहुत सरल होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट चलता है। अगर ये आपका बन गया तैयार, इसमें मैंने बहुत समय लगाया था सिखाने में। बी को मिला है कमीशन तो भैया को सैलरी नहीं मिली 4,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरली सभी पार्टनर को मिलता है 2,400 और 1,200। और नेक्स्ट मिला है आपको डिविजिबल प्रॉफिट, वन 3,440 और 8,960। बहुत सिंपल है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो। सर डेबिट में डालो तो सही कुछ, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चलेगा, जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालो तुरंत ड्राइंग डाल रहे हैं, ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है आपको 5,000 और 2,000, तो 2 ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर लेंगे और हम निकाल लेंगे दोस्त क्या बैलेंस सीडी, तो 16,000, 22,000, 24,000, 2,413, 37,000, 37,840। दोबारा सुन लो क्या, 16, 22, 24, 27, 37, 37,840 में से माइनस करेंगे 5,225, 15, 8 बजे 2 बजे 6, 32,615 है, 32,615 सही है। नेक्स्ट 12 और 4, 16, 17, 25, 26, 26,160 रुपये, इसमें से माइनस करेंगे 2,075 रुपये, 5, 15, 7, 8 24,085, 24,085 ये भी सही है। अब कैपिटल अकाउंट तो भाई कुछ है ही नहीं एक तरीके से, क्यों? क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन कहाँ गए, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी होगा, सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इतने सरल, सरल ये आपको लग रहे हैं क्योंकि आप इनको सीख गए हैं बेटा। और हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आए हैं, और यकीन ना हो तो पिछले 3-4 साल के पेपर उठाकर देख लेना। कैपिटल अकाउंट की वजह से 40,000 और 20,000 पूरी साल ना तो कोई एडिशनल कैपिटल आई और ना कोई परमानेंट ड्राइंग रही है, तो जो यहाँ आएगा बैलेंस दोस्त वही आपकी बैलेंस सीडी में जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 88, आराम से देख लेना। किसी को किसी भी कैसे भी कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो मुझे। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 को, जिसमें कि 6 पार्ट्स हैं और प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ होगा लास्ट वाले क्वेश्चन में। अगर आपके पास पुरानी कोई बुक्स है तो आप वहाँ से क्वेश्चन को आगे पीछे करके देख सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट ऑफ तरुण एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आराम आराम चलेंगे फॉर्मूला लिखते हुए। केस नंबर ए बोलता है दोस्त आपसे, इफ इज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 रुपीज़, तो बहुत आराम से सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
प्रेजेंटेशन के साथ कराया जाएगा आपको क्वेश्चन। इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल मैं क्यों लिखता हूँ दोस्त, क्योंकि हमें जो ड्राइंग्स दी होती है वो हर बार जरूरी नहीं वही हो, आपको उसमें इंटू 4 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 9 करना होता है। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, जैसे फॉर्मूले की तरह लिख लेते हैं, जैसे बचपन में लिखते थे, इंटू मंथ्स या फिर पीरियड, कुछ भी बोल सकते हैं हम, जनरली मंथ्स ही लगाते हैं, डिवाइडेड बाई 12। अब शुरू करते हैं टोटल ड्राइंग्स कितने, क्योंकि इसमें 60,000 रुपये की टोटल ड्राइंग्स है, मतलब आपको कुछ इंटू गुणा भाग नहीं करना, 8% की रेट है और कुछ भी नहीं लिखा है, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, बिगिनिंग एंडिंग कुछ नहीं, तो 6 मंथ्स के लगाएंगे आप। पूरे को सॉल्व कर लीजिए, 2400 रुपये आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत आसान है, 6 महीने लगते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ ड्राइंग्स और व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, तो आप 6 मंथ्स यूज करेंगे, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो 3rd वाले में करा रखा है आपको। इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब हम बार बार फॉर्मूला लगाएंगे, सर फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट याद हो गया, अब हम फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू 5000 पर मंथ इंटू 12, 5000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग्स है ये। टोटल ड्राइंग्स का एक बार फॉर्मूला लिख लिया, जरूरत नहीं है बार बार लिखने की। रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 इक्वल्स टू 8 अपॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कौन कौन बच्चा मुझे बताएगा बिगिनिंग किस किस को याद है, सर 6.5 अपॉन 12 भी कर सकते हैं, अब फटाफट से 12 से 12 काट लो, 20 से 20 काट लो, जितनी छोटी कैलकुलेशन हो जाए उतनी छोटी बना लो, 400 × 6.5, 2600 रुपये आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत आसान है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे कराने की ज़रूरत है, आप खुद भी कर सकते हैं, साथ साथ करते रहेंगे तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इफ़ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वापस मैं बोल रहा हूँ सारे केवल क्वेश्चन रिवीजन के लिए, और मास्टर क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको वापस से अच्छा रिवीजन करा सकता है। 5000 पर मंथ है तो 12 महीने में टोटल ड्राइंग्स इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 6.5 या 5.5, सर 5.5, बिगिनिंग में 6.5 लेते हैं, उसमें एक महीना घटा देते हैं, अगेन 12 से 12 उड़ा दो, 20 से 20 उड़ा दो, 400 × 5.5 ये आएगा 2200 रुपये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी आपकी 2200 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर डी, इफ यू विड्रॉज 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर इसका क्या मतलब होता है सर, ड्यूरिंग द ईयर का इसका मतलब होता है सर कि 5000 पर मंथ निकालें, तो 5000 निकाले या 60000 निकाले, सर 60000, 5000 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 अपॉन 100, और कुछ भी नहीं लिखा, ना तो बिगिनिंग ना तो एंडिंग, तो मानेंगे मिडिल ऑफ द मंथ में निकाला होगा, हम 6 महीने लगा देंगे ऑन एन एवरेज बेसिस, स्टार्टिंग में निकालता तो 6.5, एंडिंग में निकालता तो 5.5, 6.5 और 5.5 दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 6 मंथ्स आएगा दोस्त, 20 से 20 उड़ा दो, 12 से 12 उड़ा दो, 400 × 6 दैट इज 2400 रुपये, जो ड्राइंग्स की इंटरेस्ट आपकी एक केस में ए में आ रही थी, क्योंकि वहाँ भी 60000 का टोटल ड्राइंग्स था और यहाँ भी 60000 का, यहाँ 5000 करके 12 बार निकाले और एक बार में निकाल लिए थे। पॉइंट नंबर ई, इसमें ही विड्रॉज द फॉलोइंग अमाउंट्स एज अंडर, इस तरीके से निकाला है 1 जून, 31 अगस्त, 1 नवंबर, 31 दिसंबर और 1 फरवरी, तो हम बहुत आराम से करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेट वाइज चलेंगे, इसमें प्रोडक्ट मेथड लगेगा सर, याद है हमको डेट ड्राइंग्स, फिर मंथ्स कितने मंथ्स लगेंगे या फिर पीरियड, और लास्ट में आएगा प्रोडक्ट, इस तरीके से लिख लेंगे हम। सबसे पहले डेट में लिखेंगे हम 1 जून, फिर हम डेट में लिखेंगे 31 अगस्त, फिर हम लिखेंगे 1 नवंबर, सर कुछ भी नहीं लिखा हो तो फाइनेंशियल ईयर माने या कैलेंडर ईयर माने, सर फाइनेंशियल ईयर मानना है, और जब तक कैलेंडर ईयर लिख के नहीं देगा 31 दिसंबर 1 फरवरी, कुछ इस तरीके से हम डेट ऑफ ड्राइंग्स लिख ली, बगल में लिख लेंगे अमाउंट जो कि है 10, 12, 16, 13, 9, 10,000, 12,000, 16,000, 13,000 और 9,000। ओके, कहानी क्या सिंपल सी कि हम कहीं से भी चलेंगे 31 मार्च पर रुकेंगे, हम कहीं से भी चलेंगे और 31 मार्च पर रुकेंगे हम, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कहीं से भी चलेंगे 31 दिसंबर पर रुकेंगे तो हम कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे, वो कब होगा
जब आपको कोई भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। सर चलिए फर्स्ट जून से चलोगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने। अगस्त खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, फरवरी मार्च 2 महीने। 10,000 का 10 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 1,00,000 रुपये। 12,000 का 7 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 84,000। 16,000 का 5 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 80,000। 13,000 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 39,000। 9,000 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 18,000। ये आपकी टोटल ड्राइंग्स हो गई। और यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जोड़ लगा देंगे, तो जो भी आएगा 8, 9, 17, 4, 21, 3, 6, 14, 22, 32, 3,21,000 रुपये का टोटल प्रोडक्ट आया। अब एज पर फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट मेथड हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, जहाँ जब टोटल ड्राइंग्स लिखते थे यहाँ लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड की जगह 1/12। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे हम लोग 3,21,000 रुपये, इसकी जगह 8/100 और इसकी जगह 1/12। आराम से कैलकुलेशन करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यहाँ लिखेंगे 3×3 = 1, 3×1 = 3, ये आएगा 1,070 × 2, 2,140 रुपये की आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितनी आएगी दोस्त, 2,140, 2,140 रुपये। एक सिंपल क्वेश्चन और सिंगल क्वेश्चन से हमने पूरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, और जो जो क्वेश्चन में पॉइंट नहीं थे वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलेंगे, तो बहुत अच्छे रिविजनरी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अनुराधा एट द रेट, कौन सी वाली है, हेरा फेरी वाली या फिर हेरा फेरी वाली, अनुराधा एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इफ शी विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। आराम आराम से पढ़ते हैं सर, मतलब क्या है, सबसे पहली बार ड्राइंग्स बताओ कितनी है, 10,000 या 10,000 × 4, सर 10,000 × 4, 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, 9% पर एनम, बस इतने ही काम है, और मंथ्स मुझे कितने यूज़ करने हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5। या तीनों महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या तो दिमाग में रख सकते हैं या लिख लेंगे आप। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल क्यों, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि 10,000 लेनी है या 40,000 लेनी है, आपको ऑलवेज कितनी लेनी है दोस्त, 40,000। आप ड्राइंग्स भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड या मंथ्स, जो भी आप चाहो यूज कर सकते हो, पीरियड ऑब्लिक मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी है दोस्त, 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्त, 9%। पीरियड में कितना लगाएंगे दोस्त, 7.5। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, यहाँ ये उड़ा दो, 0 0 से 0 उड़ा दो, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4 से ये उड़ा दो, 30 × 75। कैलकुलेशन करते करते छोटी कर ली हमने जितनी कर सकते हैं, ये आएगी आपकी 2,250 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके गाइस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 की। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ बिपाशा एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इफ शी विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, अब अनुराधा जो है विपाशा है, मतलब फेर हीरा फेरी टू। चलो भाई अगेन सेम चीज करेंगे हम, क्या निकाल रहे हैं, ये पैसे निकाल रहे हैं सर, 10,000 × 4, मतलब 40,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 9% पर एनम, बस पहले बिगिनिंग में निकाल रहे थे सर, अब एंडिंग में निकाल रहे हैं, तो 7.5 की जगह आएगा 4.5 मंथ्स। वापस से बढ़िया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड्स ऑब्लिक मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी है सर,
40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 9%। पीरियड कितना लगाना है सर? 4.5। दो जीरो से दो जीरो लगा दो, 3 3 9, 3 4 12। तो 100 या 300 300 × 4.5 ये आएगा आपका 1350। कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो तो बता जरूर देना मुझे, ठीक है? जल्दबाजी में क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। 91 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम सर। सर इसको भी एक ही क्वेश्चन बना देते हैं लोग तो कितना बढ़िया होता। आप इसे एक ही क्वेश्चन मानिए ना, इसलिए तो मैं एक ही वीडियो में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 92। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आते हैं? ऐसे क्वेश्चन बेटा एक बार में आएगा 3 पॉइंट्स, तो 3 या 4 मार्क्स का बनेगा, ठीक है? ज़्यादा आप बड़ी उम्मीद नहीं करना, बट हाँ 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे चीज़ें पॉइंट बीच में डाल के आपसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सर क्या है कि 10,000 रुपये निकाल रही है चरुलता, पता नहीं क्या नाम है इनका, दैट इज़ अगेन 40,000 रुपये। बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लो, 9% पर एनम और जो मंथ लगेंगे फॉर द ईयर एंडेड इफ शी विड्रॉ 10,000 ईच क्वार्टर, कुछ नहीं बताया ना, बिगिनिंग ना एंडिंग, कितने लगा दूँ? सर वहाँ लगते हैं 7.5, यहाँ लगते हैं 4.5, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 12 / 2 दैट इज 6 मंथ्स आए, ठीक है? सर मिडिल में हमेशा 6 मंथ्स आएगा, कुछ नहीं लिखा होगा, हमेशा 6 मंथ्स आएगा, जनरली बेटा 6 मंथ्स आएगा, बट फॉर द ईयर एंडिंग 6 मंथ्स और फॉर द ईयर एंडिंग 9 मंथ्स में नहीं आएगा। आराम से फॉर्मूला लिखिए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू 40,000 × 9%। सर बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे हो आप, अब वो आपका काम है। 200 × 9 दैट इज 1800 रुपीज। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की। ऐसा लग रहा है बस साथ साथ करते जाओ और खत्म होता जाएगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ दिव्या एट द रेट 9%, बट इफ शी विड्रॉ 4,000 पर मंथ। ओके सबसे पहले इसकी ड्राइंग्स निकाल लो, 4,000 पर मंथ। सर 12 × 2 करें, अभी रुक जाओ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बहुत बढ़िया, यानी बिगिनिंग वाला, फॉर सिक्स मंथ्स एंडिंग, यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होती है। तो 4,000 × 12 नहीं, 4,000 × 6 करेंगे, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9% पर एनम, और मंथ मुझे कौन मत बचाएगा? बिगनिंग है जो 6 मंथ एंडिंग है, बिगनिंग है जो कि 6 मंथ एंडिंग है। सर मैं बताऊँ मुझे आता है 3.5 महीने, अब तो बेहद है। और जिन लोगों को नहीं आता वो क्या करेंगे, या तो कॉन्सेप्ट वीडियो 3 देखेंगे या फिर जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड करेंगे। मैं स्पेशल वीडियोज़ फॉर 2021 है, डेफिनेटली 10 मिनट के अंदर पूरा इंटरेस्ट ड्राइंग समझ में आ जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वीडियो, और बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। डाउनलोड द जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला लिखते हैं सर, टोटल ड्राइंग्स, कौन सा वाला केस है सर, फॉर द ईयर एंडिंग 6 मंथ्स इंटू रेट अपॉन 100 जो कि 9% है, इंटू मंथ्स अपॉन 12। आराम से बात करते हैं, सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 4,000 नहीं है सर, 24,000 रुपये है। कितनी है? 24,000। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? 12 × 2 कर दो सर, नहीं 4 × 2 कर दो सर, नहीं है कन्फ्यूजन। ईयर एंडिंग 6 मंथ लिखा है, साल में सिर्फ 6 ही बार पैसे निकाल सकते हैं 6 महीने तक, बस आपने अच्छे से समझा रखा है। इंटू 9 upon 100 इंटू 3.5 upon 12, फटाफट 2 0 से 2 0, 3 3 9, 3 4 12, 180 × 3.5, 18 3 54 और 90, 630 रुपये आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ईशा एट द रेट 9% पर एनम, शी विड्रॉ 4,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग, मतलब सेम केस है अगेन। इन्होंने ईशा ने कितने निकाले हैं दोस्त? 4,000 × 6 दैट इज 24,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम और 3.5 महीने लग रहे हैं अगर बिगिनिंग में, सर ने जुगाड़ बताई थी एंडिंग में लगेंगे 2.5 मंथ्स। जिनको जुगाड़ नहीं पता है जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड करें, स्पेशल वीडियोस फॉर 2021 वाले टैब में जाएं और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर लें। इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स की सबसे पहले बात करें तो 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 9/100, और मंथ्स की अगर बात करेंगे तो दैट इज 2.5/12। 2 0 से 2 0, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 60 × 30 दैट इज 180, और 180 × 2.5 18 × 36 45, 450 रुपये आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 94। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अगेन सेम चीज़ है, इंटरेस्ट में रहेंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर दूंगा। 4,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ नहीं 4,000 पर मंथ, और ना तो बिगिनिंग लिखा है ना एंडिंग लिखा है। तो 24,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी 9 महीने की, वो 9% की, और बिगिनिंग में था 3.5, एंडिंग में था 2.5, तो एवरेज निकल कर आएगा 3 मंथ्स, है ना। जानते हैं एवरेज निकालना या नहीं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है थोड़ी सी या नहीं? इतनी तो पढ़ी है सर जितनी आपने पढ़ी है। 3 महीने की लगा देंगे, 3 4 ज़ा 12, 540 रुपये आ जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 95।